और एक चीज आप सब हमेशा पूछ रहे हो इधर भी भाई कमेंट में कि आपका यूट्यूब इनकम कितना है, तो गोलाई से मतलब पूरा फट गया था, देख लो आप लोगों से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। फाइनली गाइस, मनोज देव भाई से मुलाकात हो चुका है और मेरा गाड़ी भी खाली हो चुका है, भाड़ा घर मेरे को मिल चुका है और धनबाद से अभी 40 किलोमीटर आगे बिहार वाले रोड पे आके रुके हुए हैं क्योंकि भाई अपने को डीजल भरवाना है और थोड़ा फ्रेश भी होना था, फ्रेश हो लिया, डीजल ही भरवाया नहीं है। 2000 रुपये का सिर्फ डीजल भरवाएंगे क्योंकि झारखंड है, झारखंड में डीजल वाइज 104 रुपये लीटर है। तो चलो वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस करें क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता है। वीडियो को ज़्यादा लाइक चाहिए यार, लाइक करते हो छोटे भाई को यार मोटिव मिलता है कि आप सबको छोटे भाई का वीडियो पसंद आ रहा है। फिलहाल वीडियो कंटिन्यू करते हैं और इधर से निकलते हैं। और भाई मेरे गाड़ी का भाड़ा अभी कन्फर्म नहीं हुआ है, इधर से क्या चीज़ लोडिंग होने वाला है वो भी आप सबको पता चल जाएगा कुछ ही देर में, बस 2-4 मिनट बाद बता देंगे। फिलहाल डीजल फुल करवाते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला एक पार्टी का इधर का नंबर दिया, बोला बात कर लो, तो बात हुआ नहीं उनसे, वो बोले कि 2-4 मिनट बाद बेटा कॉल करना अपने को। तो चलो फिलहाल इधर से निकलते हैं और डीजल भरवाते हैं, तब तक भाई कॉल से बात भी हो जाएगा, पता भी चल जाएगा कहाँ पर अपने को जाना है भाड़ा लेके, नहीं भी जाना होगा तो बता देंगे साफ सुथरा, भाई खाली गाड़ी लेके चले जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है यार। तो चलो फिलहाल डीजल भरवाते हैं और निकलते हैं, तो बातें करते हैं आगे चल के। तो भाई डीजल अगर मैंने भरवा लिया और थोड़ा सा दिक्कत था इसीलिए भाई उस वीडियो को डिलीट कर दिया, भैया बोले कि भाई मेरा फोटो नहीं आना चाहिए। भाई सही बात है, कोई काम धंधा कर रहा है बंदा और फिर ब्रांड है यार, कोई बात नहीं। तो तेल भरवा लिया मैंने, एक बार आपको दाम भी दिखा देते हैं कितना दाम है भाई साहब तेल का। अरे यार बंद क्यों नहीं हो रहा भैया, तो एक बार दाम आपको दिखा देते हैं भाई, ये देख लो दाम 103 रुपया इतना पैसा है, ठीक है देख लो भाई। भाई को पैसा कर देते हैं और निकलते हैं यार, कितना पैसा का भरे भैया? 2025 रुपये का लीजिए, 2025 रुपये और दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो भाई निकलते हैं, तो बातें करते हैं। तो गाइस डीजल भरवा के निकल चुके हैं, अब जा रहे हैं बनारस की तरफ। अभी भाई ट्रांसपोर्ट वाला बोले हैं कि 10 मिनट बाद आपको बता रहे हैं, जैसा भी होगा कन्फर्म रहेगा या नहीं कन्फर्म रहेगा 10 मिनट बाद आपको हम कन्फर्म बता देंगे। तो बोला ठीक है आप बढ़ते रहिए बनारस की तरफ, हम आपको कॉल बैक कर रहे हैं। तो देखते हैं भाई क्या सीन होता है। फिलहाल हम बनारस की तरफ निकल चुके हैं भाई, किसी के भरोसे में कितना देर बैठे रहेंगे, अभी टाइम हो चुका है दोपहर का, दो सोच सकते हो। तो चलो निकलते हैं इधर से यार। तो भाई अभी हम झारखंड में ही हैं और बता दे भाई ये झारखंड वाला रोड बहुत अच्छा बन चुका है और भाई टोल बनाया जा रहा है यार, बहुत हैवी टोल बनाया जा रहा है भाई साहब, आप सबको दिखाना चाहते हैं क्योंकि भाई रात में निकलते हैं, रात में ये सब चीज़ें कवर नहीं हो पाता, आप सबको अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं। फिलहाल देख लो भाई बहुत ही बड़ा वाला एकदम टोल प्लाजा बनाया जा रहा है और बहुत ही VIP देख सकते हो भाई, और 10 लेन बनाया गया भाई, 10 या 12 लेन बनाया गया है, मतलब 12 गाड़ियाँ एक बार में कवर हो सकेगी। देख लो भाई से निकलते हैं आगे यार। तो भाई अभी हम झारखंड में ही हैं और ट्रांसपोर्ट वाले का फोन आ चुका है, बोला कि भाई भाड़ा है, जाना तो चले जाओ। तो पार्टी का नंबर भी दिया, बात भी हुआ, पार्टी बोला कि भैया आप तो बहुत आगे चले आए हैं, हम बोले भैया पीछे भी नहीं आएंगे, मतलब 50 किलोमीटर पीछे जाना था। तो भाई अभी हमें आ रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला नींद, तो हम जा रहे हैं सोने के लिए। मेन नेशनल हाईवे पर खड़े हैं, दिल्ली कोलकाता रोड ही है, तो जैसे सो के उठेंगे उसका सफ़र कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल यार सोच रहे कम से कम 1 घंटा सोना ज़रूरी है क्योंकि कल रात से ही नहीं सोए हैं, फिर दिन भर भी नहीं सोए, तो इसी वजह से सोना थोड़ा ज़रूरी है। फिलहाल सोते हैं और उठेंगे तो फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं गाइस। तो भाई आप लोगों को बताया कि जा रहे हैं सोने के लिए, जैसे ही भाई केबिन के अंदर घुसे सोने के लिए वैसे ही मेरा एक मित्र आ गया जो कि मधुपुर से आया था, वो भी मिर्च लेके धनबाद, हमें पता नहीं था, उसका कॉल लग ही नहीं रहा था, अचानक से मेरा गाड़ी साइड में लगा, हम जा रहे हैं सोने के लिए, मस्त मेरे बगल में आके गाड़ी खड़ा कर दिया, बोला अरे भाई इधर क्या कर रहे हो, हम बोले भाई जा रहे हैं सोने के लिए। पहले तो घबरा गया क्योंकि थोड़ा सा झपकी लग गया था यार अचानक से, तो घबरा गया, कौन भाई कौन खटखटाने लगा गेट, हाँ तो फिर देखे बंदा ये आ गया। तो उसके बाद फिर बोला कि चलो आगे ढाबा पे गाड़ी को लगाते हैं और खाना वगैरह खा के शाम को 7 बजे निकला जाएगा, मतलब बिहार में भी चल रहा चेकिंग, वो पर डे इस रोड पे अप डाउन कर रहा है, हम तो भाई बहुत दिन बाद धनबाद आए भाड़ा लेके। फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं, वो लोग चिकन लेके आया है, मतलब कच्चा चिकन लेके आया है खरीद के और ढाबा वाले को दिए हैं, ढाबा वाले भाई साहब बना रहे हैं अभी, तो जैसे ही बन जाएगा खाना वगैरह खाएंगे दिखाएंगे आप सबको, उसके बाद फिर सोएंगे और शाम को 7 बजे इधर से बनारस के लिए हम लोग रवाना होंगे। हम लोग 3 गाड़ी वाले हैं, एक मेरा गाड़ी है और एक दो उधर गाड़ी खड़ा है देख सकते हो उधर। तो भाई जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे भाई चिकन अगर बनवा रहे हैं भाई लोग, तो चिकन अगर मैंने खा चुका फाइनली,
अब भाई बज चुका शाम का 6:30, तो हम लोग सबको ही निकल रहे हैं बनारस के लिए, क्योंकि भाई मैंने पता कर लिया है टोल प्लाजा पे कहीं पे चेकिंग नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग को पहुंचते पहुंचते 9 से ऊपर हो जाएगा, तो अभी चेकिंग अगर चल भी रहा होगा तो 9 बजे के बाद भाई खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई ये मुखिया वाला चुनाव है, ठीक है। अगर ये विधायकी वाला चुनाव होता तो भाई बिहार के जो प्रशासन है वो रात भर गाड़ी को पकड़ते, जैसे कि पिछले साल पकड़ रहे थे। फिलहाल हम लोग निकलते हैं, एक गाड़ी मेरे उधर खड़ा है, एक गाड़ी भाई के इधर है और 2 गाड़ी इधर है, मतलब एक गाड़ी है उसके पीछे एक गाड़ी और है। तो चलो हम लोग इधर से निकलते हैं और आगे चल के बातें करते हैं आप सबको। सॉरी खाना खाते टाइम का वीडियो नहीं दिखा पाए, क्योंकि भाई बहुत ज़बरदस्त भूख लगा था और हम कैमरा रख के चले गए थे, फिर भाई हिम्मत नहीं हुआ कि होटल से बाहर आएँ और गाड़ी से कैमरा लेके जाएँ वीडियो बनाएँ। फिलहाल इधर से निकलते हैं और आगे चल के आप लोगों से मुलाकात करते हैं यार। गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग झारखंड में खाना खा खाएं, उसके बाद आप लोगों को बताएं कि भाई हम इधर से निकलते हैं, रास्ते में मुलाकात करते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा हो गया, मेरा कैमरा में चार्ज नहीं था और पता नहीं आज मेरे कैमरा में चार्ज हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए भाई रास्ते में कहीं भी मुलाकात आप लोगों से नहीं कर पाए। डायरेक्ट आ चुके बनारस, मतलब सोच सकते हो घर के बाहर जस्ट अभी गाड़ी लगाए और आप लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि भाई बस 1% चार्ज है, वो भी कब बंद हो जाएगा ठीक नहीं है। ठीक है, तो घर पे चलते हैं, चार्ज करते हैं और आप लोगों से मुलाकात करते हैं सुबह। अभी बज रहा है भोर का 4:30, तो भाई मस्त सोएंगे क्योंकि भाई बहुत जबरदस्त नींद आ रहा है, बहुत ज्यादा थक चुके यार। तो चलो फिलहाल चलते हैं घर यार, सोते हैं, सुबह मुलाकात करते हैं भाई आप लोगों से। तो भाई जैसा कि आप सबने देखा 4:30 बजे हम घर आ चुके थे, तो भाई बता दे अभी जा रहे गाड़ी को थोड़ा प्रेशर मरवाने के लिए, मतलब गाड़ी को धुलवाने जा रहे हैं, क्योंकि भाई मनोज देव भाई से मिलने के बाद जब बाहर निकले तो बहुत ज्यादा उधर धूल उड़ रहा था और थोड़ा सा हम गलत रास्ते में घूम गए थे, इसी वजह से भाई मेन जो कोयला खान है उधर चले गए थे। इतना ज्यादा भाई धूल अगर उधर उड़ रहा था, गाड़ी बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है। फिलहाल जा रहे गाड़ी धुलवाने के लिए, धुलवा के आते हैं तो फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई गाड़ी को लेके आ चुके हैं, गाड़ी को धुलवाना है यार, गाड़ी बहुत ज्यादा मेरा गंदा हो चुका था, तो गाड़ी को भी धुलवा रहे हैं, तो चलिए दिखाते हैं भाई। ये भाई रामनगर, और रामनगर में आए गाड़ी धुलवाने के लिए। तो भाई जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो BDM व्लॉग, जो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो यार। और एक चीज बता दे, आप सब लग रहा है कि लाइक करना भूल जा रहे हो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, वीडियो को ज़्यादातर लाइक करो छोटे भाई, क्योंकि लाइक करते हो तो यार मोटिवेट मिलता है कि आप सबको वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे, तो लाइक कर दिया करो। वीडियो देखने के बाद ऐसे ही मत जाना भाई, लाइक करो अभी करो भाई, देखो घंटा इधर दिख रहा होगा, दबा इसको जल्दी से। तो चलो गाड़ी धुलवाते हैं, उसके बाद जब इधर से निकलते हैं तो बातें करते हैं आप सबसे। तो देख सकते हो भाई पूरा क्लीन हो चुका है गाड़ी। और गाइस एक चीज आप सबको बताना है जो कि बहुत जरूरी है, आप सब सोच समझ के ये काम करना और ये टायर को बहुत सोच समझ के यूज करना। कंपनी वाले से मेरा बात हुआ, JK कंपनी वाले से, उन्होंने मुझे क्या क्या बताया इस टायर के बारे में बताता हूँ आप सबको। पहले तो फिर से एक बार मेरा जो टायर है जो फटा हुआ था वो आप सबको फिर से दिखाना चाहते हैं, तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं भाई। तो भाई ये देख लो, ये पूरा चारों तरफ से मेरा गोलाई से मतलब पूरा फट गया था, देख लो आप लोगों से अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, पूरा ये फट गया, पूरा निशान कंपनी वाला लगाया है, देख सकते हो पूरा निशान कंपनी का लगाया हुआ है। उस पलाई का टायर है इस पे, मतलब ये पॉलिसी नहीं है, मतलब इसका सिर्फ यही पॉलिसी है सिर्फ, मतलब कि एयर ले लिया टायर तो एयर लेने पे चेंज कर देंगे और इस पे कोई भी चीज़ का गारंटी नहीं है। और JK का अगर आप सादा टायर लेते हो, मैंने कंपनी का जो मैनेजर है उनसे मेरा बातचीत हुआ, जो इंजीनियर साहब है जो पास करते हैं मतलब आपका टायर बदलने लायक है या नहीं है, उनसे मेरा डायरेक्ट बात हुआ है कॉल से। वो बोले हैं जो JK स्टील किंग है उसमें सिर्फ 2 ही गारंटी मिलता है, एक जो ये प्रॉब्लम मेरा देख रहे हो, ये अगर 12 प्लाई का मेरा टायर रहता तो ये चेंज हो गया होता, 10 प्लाई का इसी वजह से चेंज नहीं हो रहा है। और कंपनी वाले बोले हैं अगर आपका टायर एयर लिया होता चलते चलते तो भी आपका इस कंडीशन में चेंज हो गया होता। और सादा टायर के बारे में मुझे बहुत सारे चीज़ें बताएं कंपनी वालों ने, बोला कि सादा टायर चलते चलते अगर फट गई, मतलब JK का जो सादा टायर रहता है, स्टील किंग नहीं बता रहा हूँ, रेडियल नहीं, जो सादा टायर उसके बाद बोल रहा हूँ भाई, वो बताएं कि जो सादा टायर रहता है वो अगर चलते चलते फट गया, कट लग गया, मतलब आप जानबूझ के कट लगा दो, वो भी चेंजिंग करेंगे भाई, समझ सकते हो, पंचर पे चल गई फट गई उस पर भी गारंटी है, उस पर भी चेंज करेंगे, कहीं से एयर ले लिया एयर लेके फट गई उस पर भी गारंटी है,
मतलब भरपूर उसमें गारंटी है सादा टायर में, लेकिन यार इसमें पता नहीं भाई क्या उनको दिक्कत है कि गारंटी वापस नहीं कर रहा मेरा टायर। फिलहाल यहाँ से घर निकलते हैं, बहुत उदास हो गया भाई, चेहरा देख सकते हो, बोल रहे भाई चेंज नहीं हो पाएगा। तो हमने चलो कोई बात नहीं, अब निकल रहे हैं घर, क्योंकि भाई जेके कंपनी वाला बगल में ही है, पहले जेके कंपनी में ही गए थे, पूरा बातचीत हो गया मेरा। यही सब फंडा है भाई, बहुत रोना आता है यार ये सब सोच के यार, कि भाई जेके टाइप का टायर का इतना तारीफ करते हैं हम कि भाई जेके टायर लेना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, सब कुछ मैं बताता हूँ, उसके बावजूद भाई मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। फिलहाल चलो इधर से निकलते हैं और आगे चल के बातें करते हैं, मतलब गाड़ी अगर मैंने धुलवा लिया, जेके कंपनी वाले से बात हो गई, बोले कि भाई टायर चेंज नहीं हो पाएगा, पूरा अपना वो कंडीशन बता दी है कि भाई इस पॉलिसी में ये टायर नहीं आता है। हमने चलो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, चलो निकलते हैं तो बातें करते हैं। तो भाई एक चीज़ और बता देते हैं, कंपनी वालों ने मुझे एक स्लिप दिया है, मतलब मेरा टायर रिजेक्ट कर दिया है, उसका स्लिप मुझे दिया गया है। तो ये देख सकते हो भाई, पहले तो ये देख लो जेके टायर ऊपर लिखा हुआ है और ये स्लिप मिला हुआ है, इस पर देखो ये सब क्या क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीन शॉट लेके देख लेना अपने हिसाब से, देख लो भाई। चलो ठीक है, तो ये टायर मुझे, ये मतलब मुझे स्लिप मिला हुआ है कि भाई आपका मतलब ये पास नहीं होगा, आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। यही सब फंडा है, बहुत तकलीफें होता है सुन के यार, बहुत दुख होता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। तो चलो निकलते हैं फिलहाल यार घर, यार मूड ऑफ हो गया भाई। तो भाई इस गाड़ी वगैरह धुलवा के आ चुके हैं घर, और एक चीज़ आप सब हमेशा पूछ रहे हो इधर भी भाई कमेंट में कि आपका यूट्यूब इनकम कितना है, तो भाई यूट्यूब इनकम मेरा है 1,00,000 पार, जैसा कि आप सब सोचते हो भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, 1,00,000 पार नहीं है यार। इस महीने का जो मेरा पेमेंट आया है उससे मैंने एक फ़ोन परचेज किया है जिसका रैम है 4 GB और इंटरनल है 128 GB, वो है सैमसंग का फ़ोन M12, ठीक है M12 जो कि मैंने लिया है, आप सबको दिखा भी देते हैं। तो ये वो फ़ोन है भाई M12, देख सकते हो, जो कि मैंने लिया, जाके आप लोग नेट पे देख सकते हो कितने का है M12, और 4 GB रैम आप लोग सर्च करके देख लेना। इतना ही मेरा इस महीने का पेमेंट आया हुआ है, और ये फोन लेने के बाद 400 या 500 रुपए मेरे अकाउंट में और बचा भी हुआ है, तो आप लोग जोड़ लेना भाई कितना आया, कमेंट करके आप सब बता सकते हो, ठीक है। आप भाई पूरा खोल के आप सबको नहीं बता सकते कितना आया है, बट हाँ इस फोन के इतना आया, सच बता रहे, झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है। गाइस इस वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि भाई वीडियो हो रहा है बहुत ज्यादा लंबा, आई होप कि आप सबको मिलकर इस वीडियो को एंजॉय की हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटा प्रेस करिए, क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता है। एक प्यारा सा कमेंट करिए, मतलब प्यारा सा मतलब एक अच्छा सा कमेंट करके बताइए छोटे भाई को वीडियो कैसा लगा, क्योंकि भाई आपका जो कमेंट आएगा सबसे बेस्ट जिसका कमेंट रहेगा उसको हम पिन करके अपने चैनल के नीचे लगा सकते हैं, मतलब कमेंट में पिन कर देंगे तो आप सबको देख सकते हो, ठीक है। तो चलो एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस, ऐसे छोड़े प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए। जो भाई इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम फॉलो करिए, इंस्टा आईडी है बुद्धादेव 777। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सपोर्ट मी भाई लोग।